Hey guys, assalamu alaikum, sat sri akal. I hope आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है सूरह 9 आयत नंबर 5 ट्रांसलेशन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस, कुछ नॉन मुस्लिम है इस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके लिए हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए। सो आज जानते हैं कि इस पे क्या लिखा गया है कि इसमें नॉन मुस्लिमों को, जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरे दुनिया में, उनको मार डालो। इस पे आयत पे ये लिखा गया है कि पूरे डिटेल के साथ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना ताकि हर किसी को सच्चाई पता चलनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम। मैं मुस्लिम भाई बहनों से एक बात पूछना चाहूंगी कि आपकी कुरान में सूरह नंबर 9 आयत 5 में क्या लिखा है? मुझे बताओ ये 24 आयतों के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां भी मिले और वो तुम्हारे अल्लाह को कबूल करने से मना कर दे, उसका कत्ल वाजिब है। पारा 10 सूरा 9 तोबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक कहां, मुशरिक यहां लिखा है। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। हाँ। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। हाँ। है ना, ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहां कहीं पाओ वहां घात करो, वहां कत्ल करो, वहां मारो। तो सुनो, सूरह नंबर 9 यानी सूरह तौबा आयत नंबर 5, 6, 7, 8 में अल्लाह फरमाता है, जिसका मफहूम यह है कि हुरमत वाले महीनों में जंग मत करो, इनके अलावा उन मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर डालो जिन्होंने तुम्हें घर से बेघर कर दिया, जिन्होंने तुम्हारे बाल बच्चों को कत्ल कर दिया, जिन्होंने तुम पर जुल्म और सितम किया, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे दीन से दूर करना चाहा, ऐसे लोगों को जहां पाओ कत्ल कर दो। तो लोगों को यूं मिसगाइड मत किया करो। अल्लाह उन मुशरिकों को कत्ल करने का हुक्म दे रहा है जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया, जिन्होंने मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों के बच्चों को कत्ल कर डाला, ऐसे लोगों को अल्लाह कत्ल करने का हुक्म दे रहा है। और अल्लाह इसी आयत में यह भी फरमाता है कि वो मुशरिक जिन्होंने तुम पर जुल्म और सितम किया, अगर वो तुमसे अमन मांगे तो उन्हें अमन भी दे दो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह सूरह मुमतहिना आयत नंबर 8 में ये फरमाता है, और जो मुशरिक और काफिर तुम्हारे साथ भलाई और अमन के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो तुमसे जंग नहीं करते, वो तुम्हें तुम्हारे घर से बेघर नहीं करते, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे दीन की वजह से नहीं लड़ते, तो ऐसे लोगों पर तुम एहसान करो, ऐसे लोगों के साथ तुम मोहब्बत के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ तुम इंसाफ करो। तो ये है हमारा दीन। हमारा दीन किसी बेकसूर पर जुल्म करना और उसे कत्ल करने का हुक्म नहीं देता, बल्कि सबके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहने का हुक्म देता है। और मुझे बताओ कौन सा ऐसा धर्म है जिसने ये कहा हो कि जुल्म सह लेना। हमारा दीन जुल्म सहना नहीं सिखाता। जिन्होंने हम पर जुल्म किया अल्लाह ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया था, ना कि हर मुशरिक और काफिर को। तो इस तरह लोगों को मिसगाइड मत करो। तो कमेंट में इस्लाम जिंदाबाद जरूर लिखिए। सो गाइस, इस पे हम भी रिसर्च किए, ठीक है, बहुत ज्यादा ये फीड में आ रहा था मेरे, तो मैं भी रिसर्च किया और मैं देखा कि यार ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके, मैं डिटेल में गया। आगे आप देख सकते हो वीडियो में, आपको पता चलेगा। एक बार गूगल में भी चेक करते हैं कि सूरह तौबा आयत नंबर 5 में क्या कहा गया है, डिटेल्स के साथ पता करते हैं, क्योंकि लोग क्या है, एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, तो एक तरफा ही बात करते हैं, मतलब एक सिक्के की एक पहलू को दिखाते हैं, दूसरे पहलू को नहीं दिखाते हैं। इससे क्या होता है, लोगों के दिल में ये आता है कि हाँ यार इस्लाम गलत है या मुसलमान गलत होते हैं, ठीक है, और लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो आप गूगल पे देखते हैं कि इस पे क्या डिटेल्स पे दिया गया है। तो मैं सर्च पहले करता हूँ सूरह तौबा आयत नंबर 5, आप लोग भी सेम जाके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम जो चीज मैंने किया है आप कर सकते हो, आपको जो भी लैंग्वेज में जानना है हर लैंग्वेज में आपको गूगल में मिल जाएगा। तो इस पे क्या लिखा गया है आप खुद पढ़ सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर जब हुरमत के 4 महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो
और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वह लोग बाज आए और नमाज पढ़े और जकात दे तो उनकी राह छोड़ दो, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो आप देख सकते हो कि ये है, ठीक है, इसको कोट करते हैं, लेकिन इसका जो डिटेल में बताया गया है उसके नीचे ही आप देख सकते हो जिस पे आदेश दिया गया है। यह आदेश मक्का के मुशरिकों के बारे में दिया गया है जो इस्लाम के विरोधी थे और मुसलमानों पर आक्रमण करते थे। जो मुसलमानों और मुशरिकों के बीच जो उस समय सुलह हुआ जा करता था, वो उस सुलह को तोड़ा करते थे, वो अपने बातों में खड़े नहीं रहते थे और वो स्टैंड नहीं लिया करते थे सही चीज़ों की। तो उन लोगों के लिए आयत था उस समय का, लेकिन इसे क्या जोड़ा जाता है, जो आजकल हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या कोई भी अदर धर्म के हो, तो उसे उस मुशरिक के जगह पे आपको आयत को तोड़ के दिखाया जाता है, ऊपर नीचे का नहीं दिखाया जाता या आपको डिटेल में उस आयत का के बारे में नहीं बताया जाता, और उसके जगह पे मुशरिक की जगह पे हिंदुओं का मतलब नाम जोड़ा जाता है ताकि हिंदुओं और मुस्लिमों पे लड़ाई हो और नफरत बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आपके सामने प्रूफ है। और अगर आप इसको इंग्लिश में, बहुत से लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, उसके नीचे में पूरे डिटेल में दिया गया, आप पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, तो तब आपको चीजें समझ में आएगी। क्योंकि आदत गाइस, आप देख सकते हो खुद मैं हिंदी ट्रांसलेशन में देखा और मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में नहीं समझते हैं या अरबी लैंग्वेज नहीं कर समझते हैं, उर्दू लैंग्वेज नहीं समझते, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया। तब आप देख सकते हो कि आपको वो जो बोला गया है वो वहां के मुशरिकों के लिए बोला गया है जो वहां पे इस्लाम के खिलाफ रहते थे, मुसलमानों से जंग करते थे, मुसलमानों को मतलब एकदम खिलाफ। तो ये सारी जो चीजें बोली गई है अपने डिफेंस में लड़ने के लिए बोली गई है, ताकि आप अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने हक के लिए लड़ सको, ठीक है। तो वो उस जमाने के लिए बोला गया है, लेकिन देख सकते हो कि सामने भी वो जो एक गौतम करके कोई लड़का है, ठीक है, बहुत ज्यादा फीड में मेरे इसके आ रहा था, तो मैं सोचा कि यार क्यों ना ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए। आप देख सकते हो वो पकड़ा तो कुरान जरूर था, लेकिन जो वो एक बुक रखता है, ठीक है, जिसे जो बोलते हैं ना इस्लाम के खिलाफ एक बुक रहता है, तो उसमें 24 से 25 आयत है, ठीक है, जो सिर्फ आयत है, जैसे कि जो आयत रहते हैं 1 से 10 तक के रहते हैं, तो वो मान लो ये जैसे सूरह तौबा की 5 नंबर की आयत को दिखाते हैं, लेकिन ऊपर की आयत को या 6, 7, 8 उस आयत को नहीं दिखाते हैं, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता कि वो किस लिए बोला गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोग भी भड़कते हैं कि हाँ यार ऐसा लिखा हुआ है, ये हमारे लिए ही लिखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये उस जमाने के मुशरिकों के लिए था अरब कंट्री में। अगर ऐसा होता तो अभी बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को जानता हूं, ठीक है, ऐसे लोगों को मैं फॉलो करता हूं जो यार अरब कंट्री में, अभी भी सऊदी अरब में बहुत सारे हिंदू मेरे भाई है जो वहां पर वर्क कर रहे हैं, जो वहां के वीडियो बनाते हैं। अगर ऐसा होता तो वो तो नहीं मानते, वो तो इस्लाम को नहीं मानते, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन इस्लाम की चीजों को फॉलो नहीं करते, वो मुसलमान नहीं है। तो वहां के अरब कंट्री के लोग है, वो चाहते तो उन पे प्रेशर डालते, उनको भी मारते, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज की जो आधा ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो इंसान को चाहिए कि वो जब, अगर जैसे कि ये लड़का जो कुछ भी पढ़ के, आधे आधी चीजें पढ़ के वीडियो बना के डालता है, तो इसको चाहिए कि ये पूरा खुद पहले पढ़ ले और समझ ले कि ये क्या लिखा है कुरान में, जहाँ एक चीज को ये कोट करता है, ठीक है, वहीं ये दूसरी चीज को ये बताता क्यों नहीं है कि बोला गया है जो आप लोगों के साथ भलाई से रहते हैं उसके साथ आप भलाई से रहो। और ये चीज क्यों नहीं बताता कि अगर कोई मुसलमान इंसान जो है, ठीक है, वो एक किसी का मर्डर करता है या किसी की हत्या करता है तो सारे इंसान इंसानियत के कत्ल करते हैं, ये चीज क्यों नहीं बताता। इतनी परफेक्ट भी चीजें लिखी हुई है उसपे, और ये भी परफेक्ट है तौबा, जो सूरह तौबा जो है, ठीक है, आयत नंबर 5, वो भी परफेक्ट है, वो उस जमाने के लिए बोला गया था, ठीक है, हमारे क्रिएटर की तरफ से। सो गाइस, ये था वीडियो, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों को भी इस्लाम की सच्चाई पता चलनी चाहिए और ऐसे लोग एक्सपोज होने चाहिए। और अगर आप इस वीडियो पे नहीं होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और भी सेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।